नीमच जिले की प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर नीमच के एक दिवसीय प्रवास पर आज पहुंची, जहां उन्होंने नीमच के सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में 1,40,000 की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के उच्च संकल्प का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ने में किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उषा ठाकुर ने इस अवसर पर राष्ट्र सेवा योजना के कार्यों की भी सराहना की, साथ ही युवा उत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं और ग्रुप के साथ फोटो सेशन करवाया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी को सावधानी बरतने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ प्रतिदिन सुबह शाम योगा करने की आवश्यकता है। हमें योग करना चाहिए, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। कार्यक्रम को नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने भी संबोधित किया। अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरण शर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष छाया जायसवाल, सत्यनारायण गोयल, महाविद्यालय के प्राचार्य मीना हरी सहित स्टाफ व बड़ी संख्याओं में छात्राएं उपस्थित रही। 104 लाख के विकास कार्य का भूमि पूजन किया। 12 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। बेटियों के मार्ग में कहीं कोई कष्ट, कोई तकलीफ ना रहे, मध्य प्रदेश की सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है और बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए वो हर संभव प्रयास हम करते हैं जो उन्हें सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दे। हैं? भूमि पूजन भी क्या गया है यहाँ पर? हाँ, भूमि पूजन हुआ ना, मैंने बताया 104 लाख। कोरोना को लेकर जनता से क्या? कोरोना के लेकर जनता से यही अपील है कि जितने निर्देश है, मास्क या गमछे से मुंह बांध कर रखे या 2 गज की दूरी पर रहे, ये जरूरी। सैनिटाइज समय समय पे होते रहे। अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को स्थान दे। सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करे। ये कर्मकांड नहीं है, विज्ञान है। यदि गाय के बने गोबर के कंडे पर 2 आहुति अक्षत और घी की डालेंगे तो फॉर्मिक एल्डिहाइड बनेगा, कोपाइल बनेगा, एथिलीन ऑक्साइड बनेगा और इसके नैनो पार्टिकल्स हमारे भीतर जाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। योग व्यायाम खेल अपने जीवन के साथ अनिवार्य रूप से जोड़े। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।